गलती गई कि नहीं? बोले नहीं, बोले कन्या तेरे को गाते ना आता है? बोले और क्या? बोले थोड़ी सी सिखा दे। बोले रख थम्बे में हाथ, कभी सिखाता हूँ। कृष्ण एक बार लपेट, दो लपेट, एक गांठ, दो गांठ और गोड़ गांठ अच्छे तरह से बांध दिए। बोले कन्या तेरे को तो बड़ी सुंदर बांधने ना आता है। बोले और क्या, मैं तो बड़े बड़े ऋषि योगियों को भी प्रेम में बांध देता हूँ। बोले कन्या खोल दे। बोले गोपी अभी तक कभी इसको खोलना सिखाई, सबको अपना प्रेम ही बांधा, बस ना तो ग्यारह हो गए। ऐसे ही कृष्ण घर घर में मखन चोरी कर रहे थे। देखो एक समय कोई एक नई गोपी आई, साथ ही करके वो बड़ी लिपी बड़ी थी। उसको पता चला कृष्ण घर घर में मखन चोरी करते, लेकिन पकड़ में नहीं आते। बोले आज मैं देखूंगी कैसे कृष्ण मखन चोरी करता है। वो तो एकदम लिखी पड़ी थी, सवेरे सवेरे लठिया लेकर के दरवाजे के सामने बैठी गई। कृष्ण सखाओं को साथ में एक चक्कर लगाया, दो चक्कर लगाए, लेकिन वो गोपी हटे ही नहीं। जब तीसरे चक्कर लगा रहे थे, गोपी बोली कन्या आज दाल गलने वाले नहीं, आज मैं बैठी हूँ, कैसे मखन चोरी करोगे? बोले मैं तो किसी शुभ काम में जा रहा था, तुमने मेरे को टोक दिया। बोले तेरे सारे नारी नक्षत्र में जानती हूँ, खबरदार अगर इसी गली में आया ना, सीधा पकड़ करके तेरे को मैया पास में ले जाऊंगी। कृष्ण तो दूसरे दिन में वो गली में आना छोड़ दिए। एक प्रहर हो गया, दो प्रहर हो गया, तीन प्रहर हो गया, जब कृष्ण आए नहीं, लेकिन ये गोपियों को कृष्ण के दर्शन किए बगैर चैन कहाँ पड़ती है? इनको चैन कहाँ पड़ती? ये गोपियां तो झूठ के झूठ बना करके मैया के घर में आ गए। बोले मैया मैया, लगता है ये गोकुल छोड़ करके हमें और कहीं जाना पड़ेगा। बोले क्या बात है? बोले तेरे लाला घर में मक्खन चोरी करता है, हाँ? मेरे घर में मक्खन चोरी करता। बोले एक काम करियो, मेरे लाला छोटा सा है, ऊपर छिके के ऊपर में मक्खन रख लेना, फिर हाथ नहीं जाएगा। बोले भैया वो भी करके देख लिया। बोले क्यों? घर में कोई सीढ़ी और कोई जीना बनाया। बोले बनाने का जरूरत नहीं, खुद बना ही लेता हूँ। दाव भैया थोड़ी मोटे नीचे बैठा देते हैं, उसको पर कथुदंगल, उसको पर अर्जुन खुद ऊपर चढ़ जाता है और मक्खन निकाल करके खा लेता है। बोले एक काम करो, मेरे लाला अंधकार को बहुत डरता है, अंधकार में रख लिया करो। बोले वो भी करके देख लिया। बोले फिर, बोले तू जो अलंकार पहनाते ना हीरे जवाहरात, कृष्णा अंदर में प्रवेश करते ही सब उजला उजला हो जाता है। बोले इसको उतार दो। बोले तेरे सौगंध हाथ मत लगाइयो। मैया कहती है एक काम करो, मेरे लाला जितना खाता है ना, मेरे घर से डबल डबल ले। बोले मैया तेरी आशीर्वाद से घर में किसी चीज की कमी नहीं। फिर कृष्ण को दर्शन करके फिर वापस चली आती है। एक दिन मैया ने बोली, बोले कन्हैया लगता है तेरा साथी होना बड़ा कठिन होगा। बोले भैया मेरी शादी नहीं होगी, सारा दुनिया शादी के लिए पागल बनते हैं, लिखाई पढ़ाई क्यों करते शादी के लिए, नौकरी चाकरी क्यों करते शादी के लिए, ये दुकान वकान क्यों बना? तो बोले देखना सारे काम शादी के लिए करते, सारा दुनिया शादी के लिए सारे काम, अब तू कहते मेरी शादी नहीं होगी। कृष्ण तो चक्कर में पड़ गए, बोले तो बड़ी गड़बड़ी हो गई। मैया कहती है ये बात बताओ, पूरा ब्रज में हल्ला हो गया, तू घर घर में मक्खन चोरी करते हो, बताओ चोर को कोई अपना बेटी देगा? लगता ही जिंदगी भर कुंवर का कुंवर रहोगे, शादी वादी नहीं होगी। कृष्ण सोचा मैया को ऐसे एग्जाम्पल दो ना, मैया को एकदम पता चले मैंने मक्खन चोरी नहीं की, क्योंकि फिर मेरी शादी है, फिर मेरी शादी बंद हो जाएगी। देखो कृष्ण क्या अद्भुत एग्जाम्पल दिया है। बोले मैया मोरी मैंने ही माखन लगायो, सुन मैया मोरी मैंने ही माखन लगायो, सुन मैया मोरी मैंने ही माखन लगायो, सुन मैया मोरी मैंने ही माखन लगायो।
इसलिए मैं दर्शन सुख नहीं दे सकता हूँ, क्योंकि गुरु के बगैर ज्ञान ही नहीं होता है। अब उसको ज्ञान ही नहीं मिला होता, अपने आप मेरे को ढूंढ रहा है। हाँ देखो, संत लोग एक कथा कहते हैं, मैंने वहां पर सुनाया था आपको फैलताबाद में। बोले एक समय कोई एक साधु किसी घर में, सेठ जी घर में कथा कर रहे थे। कथा करते करते उन्होंने बताया, देखो जो व्यक्ति ठाकुर जी का नाम लेते हैं वो भव सागर से पार हो जाते, भव बंधन से मुक्ति मिल जाती है। लेकिन उनको घर में एक तोता के छोटा पिंजरा में रहता था। उसने बोला, झूठ बोल रहे हो, झूठ बोल रहे हो। बोले भैया तू ऐसे क्यों कह रहे हो, झूठ बोल रहा हूँ। बोले आप मेरे को देखो ना, मैं एक छोटा सा पिंजरा में रहता हूँ, जब घर में मालिक कोई भी आए सबको देख करके मैं राम राम बोलता हूँ, राधे राधे कृष्ण कृष्ण बोलता हूँ। लेकिन दिन भर कृष्ण कृष्ण राम राम बोलता हूँ, अभी ये छोटे से पिंजरे से ही मेरी की मुक्ति नहीं मिली। आप तो ये भव बंधन से मुक्ति की बात करते हो, ये सब झूठ बात है। वो बोला बात सही बता रहे हो, तो अभी घर में आकर के गुरु जी को ये बात बताया। गुरु जी ने कहा ठीक है बेटा, चलो मैं तेरे साथ में चलता हूँ, तू कथा कर। उसने फिर कथा की, भगवान के नाम ग्रहण करने पर भव बंधन से जीव को मुक्ति मिलती है। तोता फिर जोर जोर से बोला, झूठ, ये झूठ बात है, झूठ बात है। तब उनको गुरु जी ने कहा, बेटा तू ऐसे क्यों बोल रहे हो। बोले देखो ना, मेरे को देखो, ये छोटा सा पिंजरा में रहता हूँ, दिन भर कृष्ण कृष्ण राम राम बोलता हूँ, अभी तक ये पिंजरा से ही मेरे को मुक्ति नहीं मिली, आप तो ये भव बंधन की बात कर रहे हो। तो उन्होंने कहा, देख बेटा तू तो नाम ले रहे हो, लेकिन तुमने किसी सदगुरु से तुमने नाम नहीं लिया, इसलिए तेरे को मुक्ति नहीं मिलती। बोले आप मेरे को कृपा करके दो। तो वो जो संपत है ना, उसको कहना में कुछ मंत्र बोला। क्या मंत्र बोला? बोले देख बेटा, तब तक तेरे को मुक्ति नहीं मिलेगी जब तक तू जिंदा रहोगी। जब ये कथा समाप्त हो जाए ना, तुम्हें बहाना बनाना। बोले क्या? बोले तुम मर जाना, शरीर छोड़ देना, जैसे उसको नाटक करना, और तेरे को अर्थी निकालेंगे जब ना, तो फल फिर मिल जाए। उसको कहने में उन्होंने ये सिखा दी। अभी जब कथा समाप्त हो गई, तोता तो गुरु जी से मंत्र मिला, उसने तो बहाना बनाकर जैसे मरा हुआ पड़ गया। लोग बोले भैया धन्य ये तोता है, देखो कथा सुनते सुनते उसने अपना प्राण को त्याग दी, चलो इसके हम अर्थ निकालते हैं, फूलों की माला लाओ गले में पहनाओ, चलो इसका हम अर्थ निकालते हैं। जब उसको पिंजरा के अंदर से निकाल करके अर्थ में लेट आया, जब उसको फूल की माला लगा कर जब ले रहा जा रहे इतना फर करके उड़ गया। इतने में वो साधु ने पूछा, मतलब भैया बताओ अभी गुरु जी से नाम लेने से मुक्ति मिलती कि नहीं। बोले हाँ, तभी मुक्ति मिलती है जब गुरु जी से मंत्र लेते हैं, हाँ? इसलिए अभी श्री भगवान कहते हैं, देखो लक्ष्मी अभी तक उसकी गुरु ही नहीं। बोले आपकी कृपा से तो सब कुछ होता है। बोले हाँ होता है। तब उन्होंने श्री नारद जी को बुलाया। नारद जी को बोले देखो, तुम जा करके ठोक पीट करके उसको परीक्षा करो, परीक्षा करके मंत्र दो। है जो मंत्र दिए, उन्हें 6 महीना में भगवत प्राप्ति हो गई। इसलिए यहाँ पर कहते हैं, दूध गर्म करना मतलब होता है जब हमारे हृदय में भगवत प्राप्ति की उत्कंठा जगे, कब प्रभु मिले, कब प्रभु मिले, कब प्रभु मिले, फिर भगवत इच्छा से फिर क्या होता है, जमन डाल उसको, मतलब जमन डाल। यदि ये जमन किया है, बोले गुरु मंत्र है, भगवान का नाम, जैसे कृष्ण है, राम है, भगवान का नाम। अभी जमन डाल दिया तो क्या हो गया, अभी दही जम गई। जब दही जम गई फिर क्या होगा, फिर क्या करो, उसको मंथन करो। बोले मंथन किया? बोले मंथन ही जैसे गुरु जी से हमने माला ली, मंत्र ली, मंत्र लेकर के अभी साधन करना पड़ेगा। ऐसे नहीं गुरु जी पर माला ले लिया लेकिन दीवार में लटक रहा है, जब कभी इच्छा हो कर ले, नहीं तो लटक रहा है, नहीं ऐसे नहीं। इसलिए माला लेकर के नियमित पूर्व का माला करनी चाहिए। देखो एक सुंदर कथा सुना। बोले एक गुरु जी थे, एक गुरु जी के 2 चेले थे। गुरु जी ने 2 चेले को आम की जो गुठली, 2 चेले को 2 गुठली दी। बोले देखो बच्चों, अगर ये आम की गुठली को बोगे ना, बड़ा सुंदर वृक्ष होगा और भर को छाया भी देगा और बड़े सुंदर आम आएगा उसमें, और आम भी खा भी सकते हो, और आम को तुम बेच करके अपना परिवार को पालना कर भी सकते हो। अभी दोनों चेलों को उन्होंने 2 गुठली दिए,
अभी एक ही चले ने लेकर के घर पर सामने गुठली को गाड़ दी, मिट्टी खोद कर और पानी दिए और घड़ी लेकर बैठ गया। अभी दो घंटा तक देखा बोले कुछ हुआ है, खोदा देखा जैसे बस तैसे, फिर उन्होंने ढक करके फिर पानी दिया, फिर चार घंटा तक घड़ी को देखा, देखा तब भी कुछ नहीं, खोद करके फिर गाड़ दिए, बैठ करके फिर आठ घंटा तक बैठा रहा। ऐसे ही उसने दिन और रात भर वहां बैठे रहा और सवेरे से खोदा तो गुठली में कोई भी अंकुर फंकुर नहीं। बोले गुरुदेव झूठ मूठ का बोल दिए, बोले अंकुर होगा तो पत्ते होगा, टहनियां होगी, फिर बड़े सुंदर वृक्ष बनेगा, उसमें फूल आएगी, फल होगा, फिर तुम खाओगे बेचोगे, गुरुदेव झूठ मूठ का। उसने गुठली को उठा करके लेकर गए और गुरु जी के ऊपर देव मार, बोले गुरु जी आप इतना झूठ बोलते हो, दूसरे चेले को भी गुठली दिए। गुरु जी की वाक्यों को पर उसने विश्वास करके लेकर गए, गुरु जी ने जो कुछ बोले सही बोले। उसने घर के सामने गाड़ कर उसने सुंदर उसने खाद दे दिया, पानी दे दिया। लेकिन जब 10 दिन को बाद में ना देखा सचमुच से गुठली से एक अंकुर निकला, जब एक महीना हो गया देखा सचमुच से उसमें दो पत्ते निकले, जब उसमें दो चार महीना हो गया देखा वो पेड़ धीरे धीरे बढ़ रहा है और जितने बढ़ रहा है ना गुरु जी के ऊपर में उतना विश्वास आ रहा था, भैया गुरु जी ने सही बात बताया, गुरु जी ने जैसे बताया था देखो वैसे ही पेड़ हो रहा है। और जो 2-3 साल हो गया ना सचमुच से इतना सुंदर वृक्ष हुआ है, पूरा घर को छाया कर दिया, फिर उसने सुंदर फल फूल आया, फिर पूरा पेड़ पेड़ पर आम ही आम। जब उसने पहला आम पका बोले गुरु जी ने दिए थे वो आम लेकर गुरु जी के आश्रम पर गए, बोले गुरु जी आपने जैसे बताया ना बात सही है, देखो कितने सुंदर आम है। फिर उन्हें ठाकुर जी को भोग लगाए, फिर आम खाए। देखो इसलिए यहाँ पर करने जो मंथन है क्या है, बोले मंथन है जब गुरु जी ने हमें जो नाम दिया है साधन करना पड़ेगा, जब तक साधन नहीं कर दो। देखो एक बच्चा स्कूल में पढ़ता है 5 साल से हमसे 2-3 साल से भर्ती कर देते हैं, 25 साल तक पढ़ता है एक बच्चा कोई भी सब्जेक्ट को लेकर के, कोई गारंटी नहीं तुमको कोई नौकरी मिलेगी, कोई गारंटी भी नहीं। 25 साल तक जब पेपर आता है ना वो पागल होकर 10-10, 15-15 घंटा पढ़ता है, कल जैसे पेपर आज रात भर सोता नहीं, पूरा पुस्तकों को दिमाग में लेकर जाता है, फिर 25 साल तक पता नहीं कितने लाख रुपया खर्चा करता है। करके क्या होता है, किसी तरह से अगर कष्ट करके नौकरी मिला उसमें भी 10-10 घंटा काम करता है, फिर क्या सुखी हो गया? किसी व्यक्ति को पूछो कितने तुमने परिश्रम किया है, कोई सुखी संसार में? कोई तन से दुखी, कोई मन से दुखी, कोई धन से दुखी, कोई बेटा से दुखी, कोई बेटी से दुखी, कोई बहू से दुखी, कोई पति से दुखी, कोई पड़ोस से दुखी, कोई मन से दुखी, कोई काम से दुखी, सब दुखी 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 इतने। लेकिन जो भगवान को तू एक बार पाने का बाद कृष्ण गीता में कहते हैं हे अर्जुन तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत तत् प्रसादात् परां शान्ति। हे अर्जुन जब तुम मेरी भक्ति करोगे तुमको पूर्ण शांति पूर्ण आनंद, तुम उसके लिए कुछ करना नहीं पड़ेगा। और भगवान कलियुग में सबसे सरल उपाय होता है, बोले क्या? बोले कलियुग में कोई कठोर साधन नहीं, क्यों? जानते हैं कलियुग का जीव कह ही नहीं सकते, केवल ठाकुर जी इतना ही बोले, केवल भगवान इतना नाम जप कर लो, ठाकुर जी की थोड़ी सी नाम जप करो। लेकिन कलियुग का जीव इतने दुर्भाग्य तभी प्रभु का नाम जप करे, तभी भगवान के नाम जप नहीं कर, फिर कल्याण कैसे होगा? इसलिए कहते हैं मंथन मतलब होता है जप करना प्रभु के नाम को। जैसे ध्रुव महाराज ने बैठ करके भगवान के नाम को जप की, जैसे वाल्मीकि दसु रत्नाकर था उसने मराम मराम करते 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 दसु रत्नाकर वाल्मीकि बन गए। इसलिए क्या करनी चाहिए? मंथन मतलब होता है भगवान नाम को जप करना। एक बार हाथ उठा के बोलो सबके सब, बोले हरे कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे हरे
फिर भगवान एक दिन क्या करेंगे, तुम्हारे घर में आकर के फिर तुम्हारे हृदय को चोरी करेंगे। मक्खन नहीं, तुम्हारी हृदय को चोरी करने के लिए भगवान तुम्हारे घर में आएंगे। ये मक्खन चोरी का ये तात्पर्य है। बोल श्री मक्खन चोर भगवान की जय। जय श्री राम। जय जय श्री राम। जय जय श्री राम। हाँ देखो, भगवान की भजन करने के लिए हमें तीन चीज की जरूरत है। कितना चीज की जरूरत है? कितनी चीज? तीन चीज की जरूरत है। इसलिए गुरुदेव उदाहरण देते थे, जैसे आप अमेरिका जाना चाहते हो, नहीं तो लंदन फ्रांस जाना चाहते हो, आपको पास में तीन चीजें चाहिए। पहला नंबर पासपोर्ट चाहिए, दूसरा नंबर वीजा चाहिए, और तीसरा नंबर तुम्हें टिकट चाहिए, पैसा चाहिए। फिर इसी जगत में आप अमेरिका लंदन फ्रांस पर कहीं तुम जा सकते हो। उसी तरह अगर हमें भगवत राज्य में जाना है ना, इसलिए हमारा पास में भी तीन चीज होनी चाहिए। पहला चीज है पासपोर्ट। पासपोर्ट का मतलब होता है गले में ये तुलसी की कंठी होनी चाहिए। गले में तुलसी की कंठी होनी चाहिए। जैसे ठाकुर जी को कोई चीज भोग लगा, अब देखना जब तक तुलसी पता नहीं देते है ना, ठाकुर जी कोई चीज ग्रहणी नहीं करते। इसलिए गले में जब तुलसी कंठी धारण करेंगे, ये शरीर हमारा अपवित्र है, टाटी पेशाब खून पीक से ये भरा भरा हुआ, लेकिन गले में तुलसी कटी धारण करने पर ये शरीर ठाकुर जी के चरण में समर्पित हो जाते हैं। अगर गले में कटी पहनोगे, जो कुछ बोली निकलेगा वो शुद्ध रूप में निकलेगा, और जो कुछ खाएंगे अंदर में भी पवित्र बन करके तुलसी से टच होते हुए वो अंदर में जाएगा। इसलिए गले में तुलसी की कटी धारण करनी चाहिए। आप लोग तो हिंदू लोग हैं, आपको पता होगा तुलसी को साथ में सालग्राम का शादी होता है। बोले क्यों? बोले कि तुलसी माँ लक्ष्मी है। अगर गले में कंठी हो तो माँ लक्ष्मी की निवास हो जाती है, और ये तुलसी में भगवान की निवास है। जब भगवान ये संसार छोड़ करके गए, तुलसी में ही अपना स्वरूप रख कर गए। इसलिए हम कहते हैं वृंदावन चलो। बोले क्यों? बोले बांके बिहारी। बोले वृंदावन में बांके बिहारी क्यों? बोले वृंदावन, वृंदा मतलब तुलसी, वन मतलब यहाँ तुलसी का पेड़। इसलिए हर घर घर में तुलसी की वृक्ष होनी चाहिए। किसकी किसको किसको घर में तुलसी वृक्ष है? हाँ, अगर घर में तुलसी वृक्ष होना, भगवान की निवास वही हो जाती है। तुलसी में पानी देनी चाहिए। शास्त्र ने बताया, जिसकी घर में जितने सुंदर तुलसी वृक्ष होगी ना, जितने सुंदर तुलसी वृक्ष, उसकी भक्ति भी उतना बढ़ेगी, और माँ लक्ष्मी भी उतना आती है। क्यों? तुलसी लक्ष्मी है, तुलसी ये लक्ष्मी है। इसलिए श्री हनुमान जी जब लंका में पहुंचे, तब उन्हें तुलसी वृक्ष देख कर कहीं उन्होंने उत्तर दिया। अगर हमारे घर में तुलसी वृक्ष होना, हनुमान जी बिना बुलाए हमारे घर में हनुमान जी आ जाएंगे, ठाकुर वहीं पर आ जाएंगे, हैं? इसलिए हर घर में तुलसी की वृक्ष होनी चाहिए, तुलसी की पानी देनी चाहिए, तुलसी की सेवा करनी चाहिए, और गले में भी तुलसी की कंठी धारण करनी चाहिए। इसलिए पहले मैंने बताया ना, जब महाराज दूतों को कहते हैं, देखो जो भजन नहीं करते हैं मेरे पास में ले आना, बोले पता कैसे चलेगा? उन्होंने बताया दो तरह के कुत्ते होते हैं, एक पालतू कुत्ता और एक फालतू कुत्ता। जो पालतू कुत्ते होते हैं उनके गले में पट्टा बंधा हुआ रहता है, देखने से पता चलता है ये किसी घर के कुत्ते हैं, और जो फालतू कुत्ते बिना पट्टे के जो रोड रोड में घूमते हैं। इसलिए आप देखना, पालतू को कोई मानते नहीं और फालतू को कोई छोड़ते नहीं। इसलिए गले में तुलसी कंठी मतलब होता है हम सबके साथ ठाकुर जी की पालतू है, ठीक है ना? अगर गले में तुलसी कंठी होगी ना, कभी आप जमकर नहीं जाओगे, सीधा सीधा ठाकुर जी के पास में चले जाओगे। इसलिए गले में तुलसी कंठी मतलब पासपोर्ट है। दूसरे चीज ये बोले वीजा। बोले वीजा क्या है? बोले ये तिलक होनी चाहिए। देखो हम लोग तो हिंदू है, देखना जब कोई व्यक्ति किसी बिजनेस में जाता है ना, अच्छा बिजनेस में कोई शुरुआत कर रहा है, हम क्या करते हैं? उसको तिलक लगा कर भेजते हैं। तिलक मतलब होता है ये शुभ लक्षण है, जो काम के लिए जाते हैं वो काम हमारी बन जाएगी। घर में जब ब्राह्मण पूजा कराने आएगा, देखना पहले तिलक लगा करके फिर पूजा कराता है, तिलक के बगैर वो भी पूजा नहीं करता है।
जैसे हम स्त्रियां हैं, जैसे सधवा स्त्रियां हैं, हमें कैसे पता चलता हम सधवा स्त्री? सिंदूर लगाए, मांग भरे, कोई मंगलसूत्र पहने हो, कुछ चिन्ह है जिससे पता चलता है आप सधवा हैं। ये तो उसी तरह ये जगत का पति के लिए धारण किया, लेकिन हमारा जो परम पति है, जो जन्म जन्मांतर का जो पति, जो कभी हमें छोड़ने वाले नहीं, वो हृदय में जो रहने वाले, उनके लिए क्या करनी चाहिए? उनके लिए तिलक लगानी चाहिए। तीसरी जो चीज है, कहते हैं टिकट। टिकट क्या है? बोले भगवान के नाम, ठाकुर जी की नाम जप करनी चाहिए ठाकुर जी की, कहते यही टिकट है। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, बोले कली योग के बल नाम आधारा, कली योग के बल नाम से युक्त मधुर स्निग्ध
कृष्ण कथाएं हमें सुनने को मिल रही हैं तो उसको तोड़ना नहीं चाहिए वैसे हमें, लेकिन जैसा उनका आदेश है। तीन दिन पहले मैं जब शाम को यहाँ आने के लिए तैयार हो रहा था कथा में 4:15 बजे घर से निकलने के लिए, तो मैंने काफ़ी दिनों से अनुभव करते हैं कि जब कथा का समय आता है ना उसी समय कोई ना कोई काम ज़रूर आते हैं। आपके साथ होता है ऐसा कि जब आप आस पड़ोस के रहने वाले लोगों को जब महाराज जी की कथा या कीर्तन की आवाज़ आती है और आपको लगता है अब ये बेल बज गई या स्कूल की ओर पहुँचना है, तो आपके साथ ऐसा होता है कि उसी समय में कोई मतलब कोई ना कोई ऐसी बात हो जाती है, कभी बच्चा सो रहा है वो उठ जाएगा, कभी पति का फोन आ जाएगा कि मैं ऑफिस से किसी को भेज रहा हूँ ये सामान दे दीजिएगा, कभी सासू माँ कहेंगी दूध खत्म हो गया जाकर के ले आओ, तो ऐसा कुछ ना कुछ हो जाता है। अगर हम वीक हैं उस समय तो फिर हम उस कार्य को करने के लिए चले जाते हैं, थोड़े से स्ट्रांग हैं तो कभी कभी कार्य करना पड़ता है लेकिन अपने आप को फिर हम थोड़ा सा कोसते हैं कि क्या हमारा भाग्य ऐसा नहीं है हम जा नहीं पा रहे कथा में। और जो बहुत स्ट्रांग होते हैं विशाखा दीदी जैसे, वो जैसे जैसे अरेंजमेंट कर करके एकदम से पहुंच जाते हैं। तो उस दिन जब मैं वापस पहुंचा कथा सुनने के बाद तो टीवी के सामने भी पिताजी देख रहे थे, मैं साथ में बैठ गया, उसी समय न्यूज आई कि वाराणसी में वो फ्लाईओवर क्रैश हो गया था। तो मुझे उसी समय एक अपने ऊपर एक बड़ा मतलब जिसको आप कह सकते हो कि एक वार्निंग बेल सी समझ में आई। देखो कई बार हमारे साथ ऐसा लगता है कि हम कथाओं में जा रहे हैं तो उस दिन महाराज जी अपनी कथा में उन्हीं की बातों को ही सिर्फ थोड़ा और क्लैरिफाई कर रहा हूँ। महाराज जी कह रहे थे ना कि जैसे हम कथाओं में आते हैं, शुरू शुरू में पहले दिन महाराज जी ने कहा था कि आपके मन में ये क्वेश्चन आएगा कि हम 3 घंटे यहाँ बैठे तो उससे हमें क्या मिलेगा, और अगर 3 घंटे बिजनेस में चले जाएँ या कोई ट्यूशन पढ़ा रहा है कुछ कार्य कर रहा है तो कहेगा वहाँ से मुझे फिजिकल असेट्स में एक्वायर कर रहा हूँ, मेरे को इतना पैसा मिल जाएगा, मेरा ये कोर्ट में काम फंसा होगा ये क्लियर हो जाएगा, और कथा में बैठे हैं तो क्या मिलेगा। तो उसी समय मुझे एक चेतना सी हुई कि देखो जो लोग उस समय उस रास्ते से निकल रहे थे उनके दिमाग में भी कितने हमारे जैसे प्लान्स होंगे, किसी ने अपने घर पहुंचना था, किसी के घर पे कोई उसके बच्चे वेट कर रहे थे, किसी ने शादी पे जाना होगा, लेकिन किसी को नहीं पता था कि वो जिस पुल से पुल पे कितना विश्वास करते हैं वो पुल का पुल आपके ऊपर आकर के गिर पड़े। तो आप सोचिए कि ऐसे जीवन में कितना खतरा भरा पड़ा है। इसलिए प्रहलाद महाराज जी ने अपनी शिक्षाओं में कहा श्रीमद् भागवतम में पदम पदम